केंद्र सरकार वालों ऐलानी अग्निपथ योजना नूं फौज के अधिकारियों अते साबका अधिकारियों ने एक चंगी योजना दस्या है। इस बारे वख-वख अधिकारियों का कहना है कि यह नवें भारत की एक नवी सोच है। That the average age of an Indian Army soldier is approximately 32 to 33 years, and with the Agniveer and the Agnipath scheme coming into the fold, in around 8 to 10 years we will be able to lower the profile of the soldier to approximately 24 to 26 years, and this will only make the Army fitter. We'll be able to handle more challenging situations that we come across in the difficult areas that our troops operate in. ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव योजना है। ये भारत की फौज में पहली बार एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई, भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाई, और ये जो योजना है ये भारतीय फौज, जब मैं बोलता हूँ उसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये सबके एक कंबाइंड डिस्कशन और कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के बाद ये योजना को आपके देश के सामने प्रस्तुत किया। चार साल का अपना अग्निवीर का टेन्योर पूरे करने के बाद एक बहुत ही डिसिप्लिन, स्किल्ड, मोटिवेटेड और जोश और जज्बे के साथ जो युवा बाहर जाएगा, दैट्स व्हाट द इंडियन आर्मी और द आर्म फोर्सेस विल गिव बैक टू द सोसाइटी। इस दौरान इस युवा को बाहर सेटल होने के लिए सक्षम बनाने के लिए 20 स्टेप्स लिए गए हैं। नए भारत की जो हमारे आज के युवा हैं वो इतने सक्षम हैं, जो क्वालिटेटिव चेंज इस स्कीम से आएगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें जो हमारा युवा है उसके लिए भी बहुत कुछ है, हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ है और आर्म फोर्सेज के लिए भी बहुत कुछ है। योजना के माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफाइल है वो और ज्यादा यूजफुल होगी। काफ़ी ज़्यादा युवा हमारे को इसमें शामिल होते मिले। हमारे युवाओं के लिए ये योजना एक नया अवसर बन के आई है और ये एक ऐसी योजना है जो कि मैं समझता हूँ भारतीय फौज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार साथ लेके आई है।